नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीटेक पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मी वाइटल के टॉप 2 टिप्स के बारे में। तो करना परेशान हो गए हम। दोनों थीम बेस्ट होंगे, डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल मल्टीटेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले थीम से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में ही आपको जो क्लॉक विजिट मिल जाता है वो जरूर आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक से लेआउट के साथ आता है, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, जो कि बिल्कुल एक अलग सा लुक दे देता है डेफिनेटली हमारे इस डिवाइस को। इसका स्टेटस बार भी चेंज हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा आइकन्स इसमें भी चेंजेस मिल जाते हैं। इसकी आइकन्स की बात कर लें, सभी आइकन्स में अलग अलग एनिमेशन भी मिलते हैं। अब बात कर लें इसके कंट्रोल सेंटर की, तो डेफिनेटली इसका कंट्रोल सेंटर हमें चेंज होता हुआ मिल जाता है, जहाँ पे बिल्कुल अलग सा लुक के साथ आता है, जो कि डेफिनेटली मुझे पसंद आ रहा है पर्सनली, आपको भी जरूर आ रहा होगा। इसके नोटिफिकेशन पैनल की बात कर लें तो इसका नोटिफिकेशन पैनल हमें नॉर्मली मिल जाता है, यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं मिलते हैं हमें। इसके सेटिंग्स पैनल को देख लें, इसका सेटिंग्स पैनल भी फुल्ली चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे आइकन्स चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल एक अलग सा लुक दे देता है हमारे इस डिवाइस को। अब बात कर लें इसके अबाउट सेक्शन की, तो डेफिनेटली इसका अबाउट सेक्शन भी हमें चेंज होता हुआ मिल जाता है, जहाँ पे MIUI 12 की जगह पे ये थीम का आइकन बना हुआ आ रहा है, और यहाँ पे एंसेंट में भी थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाते हैं हमें। थोड़ा बहुत इसमें फॉन्ट में प्रॉब्लम है, चाइनीज में लिखा हुआ रहा है, लेकिन चलिए इसे हम स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लें इसके डायलर पैड की, इसका डायलर पैड हमें चेंज होता हुआ मिल जाता है डेफिनेटली, जो कि बिल्कुल एक अलग लुक के साथ आता है, जो कि हमारे इस डिवाइस को बेस्ट लुक प्रोवाइड करता है। इसके मैसेजिंग ऐप की बात कर लें तो डेफिनेटली इसका मैसेजिंग ऐप भी हमें चेंज होता हुआ मिल जाता है, जहाँ पे एंसेंट में चेंज मिल जाते हैं हमें, बाकी सभी चीज़ इसमें नॉर्मली है, उसमें कोई खास इसमें चेंजेस नहीं मिलते हैं। अब बात कर लें इसके लॉक स्क्रीन की, तो चलिए देख लेते हैं इसका लॉक स्क्रीन। इसका लॉक स्क्रीन में हमें कई सारे लेआउट्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला है जो पहले से बाय डिफॉल्ट किया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे ये एनिमेशन भी, चार्जिंग एनिमेशन भी चेंज मिलता है हमें यहाँ पे, और यहाँ सेंटर में आ जाता है क्लॉक विजिट वर्टिकल फॉर्मेट में। और अगर हम तीसरे लेआउट की बात कर लें तो यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस मिल जाता है क्लॉक विजिट में, जो कि बिल्कुल तीनों ही बेस्ट हमें मिल जाते हैं, और भी कई सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आगे की फीचर्स को देख लें तो यहाँ पे स्वाइप राइट करने वाला जेस्टर, उसमें चेंजेस मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह का स्क्रीन मिल रहा है हमें, एक ये मिल रहा है और एक ये वाला मिल रहा है, दोनों ही बेस्ट हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं कस्टमाइज करने के बाद, तो चलिए हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये अप्लाई हो चुका है, स्वाइप राइट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें चेंजेस मिल जाता है, यहाँ पे टाइल्स मिल जाते हैं हमें कई सारे, जो कि कुछ कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक यूनिक लुक दे दे रहा है हमारे इस डिवाइस को। अब इसके डिटेल्स को देख लें, इस थीम के नाम को देख लें, इस थीम का नाम है फ्यूचर लाइट वर्जन 12। ये 11.6 MB का एक लाइट वेट थीम है, जिसके डिजाइनर जिसन खाना। इसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे मैंने इस थीम का नाम दे दिया है, या तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं ताकि आपको इनका नाम पता चल सके वीडियो में, उसके बाद आप इसे ग्लोबल थीम स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अपने अगले थीम को। ये थीम हमें One UI से मिलता जुलता मिल जाता है, जहाँ पे कि क्लॉक विजिट अलग सा मिल जाता है हमें, वॉलपेपर One UI वाला ही मिलता है सैमसंग का, और आइकन्स भी कुछ कुछ One UI से मिलते जुलते मिल जाते हैं हमें। मे बी ये One UI 3.0 का लुक दे रहा है। अब इसके कंट्रोल सेंटर की बात कर लें तो इसका कंट्रोल सेंटर भी डेफिनेटली चेंज होता है, जो कि बिल्कुल एक यूनिक लुक दे रहा है हमारे इस डिवाइस को, डेफिनेटली आप लोगों को भी जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर हम इसके नोटिफिकेशन पैनल को देख लें तो इसका नोटिफिकेशन पैनल में भी हमें कुछ कुछ चेंजेस मिल जाते हैं, कुछ खास चेंजेस तो नहीं है लेकिन काफ़ी चेंजेस मिल जाते हैं हमें। अब देख लें हम इसके सेटिंग्स पैनल को, तो इसका सेटिंग्स पैनल भी फुल्ली चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप का लुक आ रहा है, और यहाँ पे वन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब One UI का ये थीम मिल जाता है इसलिए। और अगर हम यहाँ इसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे भी MIUI 12 की जगह UI वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, और वन लिखा हुआ आ रहा है, जो कि बिल्कुल एक अलग सा लुक दे देता है हमारे इस डिवाइस को। काफ़ी कुछ चेंजेस मिल जाते हैं इसमें हमें, इसमें साइड जेस्टर भी छोटा सा आ गया रेड कलर में, जो कि बिल्कुल एक अलग सा लुक दे देता है हमारे इस डिवाइस को। अब हम बात कर लें इसके लॉक स्क्रीन की, तो चलिए देख लेते हैं इसका लॉक स्क्रीन। तो इसका लॉक स्क्रीन मिनिमल सा मिल जाता है, यहाँ पे कुछ खास फीचर्स हमें नहीं मिलते हैं, ये बस मिनिमल सा ही मिल जाता है, क्योंकि One UI में भी कुछ खास फीचर्स नहीं रहते हैं लॉक स्क्रीन में। तो अब हम देख लें इसके डायलर पैड को, तो इसका डायलर पैड हमें चेंज होता हुआ मिल जाता है, एंड साइड में चेंजेस है, बाकी नॉर्मली है। अब बात कर लें इसके मैसेजिंग ऐप की,
तो इसका मैसेजिंग ऐप भी चेंज हो जाता है, जहाँ पे कि बिल्कुल एक अलग सा लुक मिल जाता है हमें। और अगर इसके इन्जॉय की बात करें तो यहाँ पे हमें नॉर्मली मिलता है, यहाँ पे कोई खास फीचर्स नहीं मिलते हैं हमें। देख लें इस थीम के नाम के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में। इस थीम का नाम है सैमसंग S21। ये 16.1 MB का एक लाइट वेट थीम है, जिसके डिजाइनर कॉस्टिनियो। आई होप गाइज आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके इन थीमों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।